Okay, so let us start with right chapter now, and directly from spherical mirrors it's written. Not even plane mirror is being covered there, but I'll be telling you something about plane mirror also. Okay? You all have seen plane mirror. One side is polished silver, another side is made opaque. ये आपने देखा होगा. Usually red color की coating होती है red lead oxide की. बट ये कोई और ओपेक मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है. और इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है. इट इज हाईली पॉलिश्ड पॉलिश्ड सिल्वर, राइट. एंड व्हेन वी कीप एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखते हैं तो हमें उसकी इमेज दिखती है. इधर उसकी इमेज दिख रही है. एक और पेन देना. ये दोनों पेंस की इमेज आपको मिरर के अंदर दिख रही है. दोनों पेंस की इमेज आपको मिरर के अंदर दिखेगी. और सेंटर में नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है. तो जहां पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, यहाँ देखो दिख रही है, जहां पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नॉर्मल हम ड्रॉ कर देंगे, आप दोनों एंगल्स मेजर करना, वो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है. एंड दे विल कम आउट टू बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यस परीक्षित, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले ये बताइए. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, सपोज कर लो कि एक मिरर है, आप इसकी तरफ एक बॉल हिट करो, क्या होगा? बॉल कहाँ जाएगी? बॉल इट विल स्ट्राइक एंड रीबाउंड बैक, स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी. अगर आप बिल्कुल डायरेक्टली फेंकते हो तो बिल्कुल आपके पास वापस आ जाएगी. अगर आप नॉर्मली थ्रो करते हो तो बिल्कुल उसी पाथ के लॉन्ग वापस आ जाएगी. बट अगर आप किसी एंगल पे थ्रो करते हो तो किसी एंगल पे जाएगी, ऐसे होगा. सो सेम हैपेंस विद लाइट आल्सो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. तो ये डायग्राम आपने बनाया हुआ ऑलरेडी लोअर क्लासेस में. दिस इज अ प्लेन मिरर. व्हाट डू दीज लाइंस इंडिकेट? लाइंस इंडिकेट दिस बैक सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग नहीं है. और ये क्या बताएगा? ये प्लेन सरफेस, ये पॉलिश सरफेस इंडिकेट करेगा, राइट. सो दिस इज योर प्लेन मिरर. दिस पोर्शन विल रिफ्लेक्ट लाइट, दिस पोर्शन विल सेंड द बैक, सेंड द लाइट बैक. तो हम एक रे ऑफ लाइट को हिट करते हैं. दिस इज योर इंसिडेंट रे, this is your incident ray, and when it strikes back you get reflected ray. kyunki ye reflect hoke aayi hai, ye usko strike karke wapas aayi hai. write down the definition of reflection of light. reflection ki definition likhi hai, light gayi strike karke wapas aayi. Bouncing back of light, bouncing back of light after striking, bouncing back of light after striking a smooth and shining surface like a mirror. Bouncing back of light after striking a mirror, या आप लिख सकते हो bouncing back of light after striking a smooth and shiny surface like mirror. और भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये भी एक मिरर है, ये वो नहीं है, पर मतलब कि ये ग्लास का नहीं बना हुआ, बट फिर भी हम इसको रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है. फिर भी हम इसको यूज कर रहे हैं. ऑल राइट. So have you written the definition of reflection of light? Bouncing back of light after striking a smooth and shining surface like a mirror. This is the point of incidence and we draw normal here.
आई टोल्ड यू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल कम आउट टू बी इक्वल. अगर हम इसको मेजर करें ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे. आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, दो पेन्स ऐसे ही रख के सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लीजिए. जब दोनों पेन्स की इमेज स्ट्रेट लाइन बना रही होगी आप एंगल्स मेजर करना, रियली दे विल कम आउट टू बी द सेम. आई विल बी इक्वल टू आर देन. गॉट दिस? ओके फाइन. लास्ट इधर. हाँ जी. So, what is the law of reflection? Laws of reflection लिखिए. Laws of reflection of light. There are two laws of reflection. एक तो आप देख ही रहे हो, incident ray, reflected ray and normal. They are coplanar. Means they are lying in the same plane. Co means same. ये normal है. Write down first law of reflection of light. The incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal are coplanar. They lie in the same plane. Second law, lie in the same plane. Second law is yes. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. और incident angle नहीं बोलते हैं, angle of incidence कहते हैं. ठीक है, angle of reflection कहते हैं. So angle of incidence is always equal to angle of reflection. These are two laws. अब ये बताइए कि what is a ray of light? How can you define ये जो ray हम बना रहे हैं? क्या होती है रे ऑफ लाइट? इट इज सिंपली अ ज्योमेट्रिकल लाइन अलोंग विच लाइट इज ट्रेवलिंग. वैसे ये ज्योमेट्रिकल लाइन होती है, बट एरो से वी ऑलवेज मेंशन कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, किधर जा रही है. अगर आप एरो नहीं डालोगे तो ये रे ऑफ लाइट नहीं होगी. इट विल बी अ सिंपली अ ज्योमेट्रिकल लाइन देन. सो राइट डाउन व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट. A geometrical line along which light travels. A geometrical line along which light travels. Ray of light. That is called a ray of light. Draw कर लीजिए इसको. Line के ऊपर arrow जरूर बनाना है. That means अगर arrow नहीं बनाओगे आपके marks deduct हो जाएंगे. Half mark, one mark may be deducted. Then a beam of light. Next definition is, what is a beam of light? Pencil of light bhi kehte hain isko. What is a beam of light or pencil of light? It's a group of light rays. It's a bundle of light rays together. A bundle of light rays together is called a beam of light. एक से ज्यादा rays होंगी हम उसको beam of light बोलेंगे. It's a group of light rays together. It's a bundle of light rays together that is called a beam of light. There are three types of beam. Three types. There are three types of beams. Beam of light की. Yes. अब वो types में बनाएंगे diagram. Parallel beam of light. First type is parallel beam of light. Yes, Tanya. Yes, Tanya. What is the other name for beam of light? Beam of light. Beam of light. Yes, ma'am. Okay. It's a group of light rays together. That is called a beam of light. First type is parallel beam of light. By the name, it is clear. It's a beam in which light rays are parallel to each other. It's a beam of light. It's a group of light rays where light rays are parallel to each other
दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ. एग्जाम्पल, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट. बहुत सोर्स ऑफ लाइट बल्ब सपोज बहुत दूर लगा हुआ है, अगर डिस्टेंट है तो उससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा. ठीक है, सन को भी आप कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंट सोर्स, रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, रेज कमिंग फ्रॉम अ फार अवे बल्ब, दे विल बी पैरेलल. ठीक है, अ डिस्टेंट सोर्स, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर है जो सोर्स ऑफ लाइट, उससे जो रेज आती है लगेंगी पैरेलल ही लगेंगी. सेकेंड टाइप इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्ज वर्ड का मीनिंग होता है टू ज्वाइन टूगेदर, टू मीट. कन्वर्ज मीन्स टू मीट एट अ पॉइंट. गेट अप, उधर चलो. कन्वर्ज वर्ड मीन्स टू मीट. तो वेन द रेज ऑफ लाइट आर मीटिंग एट अ पॉइंट, दैट मीन्स द बीम इज कन्वर्जेंट. तो लिखिए डेफिनेशन, अ बीम ऑफ लाइट इन विच, अ बीम ऑफ लाइट इन विच द रेज मीट एट अ पॉइंट. नो, द बीम ऑफ लाइट इन विच द रेज मीट एट अ पॉइंट. The rays of light meet at a point and you can draw like this. Rays coming from somewhere are meeting here. So this is the convergent beam of light. Huh? It's a beam of light in which the rays meet at a point. Rays meet karti hain. Converge word ka matlab hota hai meet. Theek hai? They meet at a point. For example, if you keep a convex lens in the path of sun rays onto a paper, तो paper burn होना शुरू हो जाता है ना कई बार. अगर आप sunlight में convex lens paper के ऊपर रखो, paper को उसके focus पे रखिए, तो वो burn होना, black होना start हो जाएगा. So that means the rays are meeting there, they are converging there. तो आप लिख सकते हो ये example. Sun rays converge onto a paper with the help of a convex lens. Sun rays, they can burn a paper when a convex lens is kept in the path. ऐसे भी लिख सकते हो. Write in your own language, no problem. Convex lens, yes. When a convex lens is kept in the path. When a convex lens is kept in their path. Third is divergent beam of light. Diverge word means to come out of a point, bahar jana. Diverge word means to come out of a point, scatter hona. Usko kehte hai diverge. उसका मतलब ये है, द रेज आर कमिंग आउट ऑफ अ पॉइंट. तो अब डायरेक्शन डिफरेंट हो गई ना. वहां पे वो रेज एक पॉइंट में मीट कर रही थी, यहाँ एक पॉइंट से बाहर आ रही. आप पर एरो नहीं ना बदल सकते, मीनिंग चेंज हो जाएगा. वही कन्वर्जेंट का डाइवर्जेंट हो जाएगा. ठीक है, तो लिखिए डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. इट्स अ बीम ऑफ लाइट इन विच द रेज ऑफ लाइट कम आउट ऑफ अ पॉइंट. It's a beam of light in which the rays come out of a point. The rays come out of a point. For example, street light में आप देखते हो कि source होता है light, ऐसे बाहर आ रही होती है, diverge कर रही होती है, क्योंकि उसमें convex mirror use किया होता है उन्होंने. ठीक है, वो convex जो है वो बाहर की तरफ diverge करता है, वो बाद में करते हैं. ठीक है, सो दिस इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट. नाउ इमेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ इमेजेस आल्सो, रियल एंड वर्चुअल. रियल कब बनती है बताइए. जब जो इमेज
नहीं, व्हेन डज द रियल इमेज फॉर्म, कौन बताएगा? नो, पैरेलल रेज तो कभी मीट ही नहीं करेंगी. यस, इन जनरल कन्वेक्स, वो लेंस भी हो सकता है. एक ही रे, मिनिमम टू रेज कैन फॉर्म एन इमेज. ठीक है, नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज इज मिनिमम टू. एंड व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, रियल इमेजेस फॉर्म. जैसे कि कन्वर्जेंट बीम के केस में रेज एक्चुअली मीट करती हैं एक पॉइंट पे तो रियल इमेज बन जाती है. जब वो मीट नहीं करती हैं, अपीयर टू मीट, हमें लगता है, हम इमेजिन करते हैं, तब वर्चुअल इमेज बनती है. ठीक है, डिफरेंस क्लियर है? लिखिए रियल इमेज की डेफिनेशन. रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट. रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट actually meet at a point. When the rays of light actually meet at a point. For example, concave mirror can form real image. Convex नहीं बना सकता real image. Concave mirror, convex lens can form real images. Concave mirror एंड कन्वेक्स लेंस, इनके मीनिंग बाद में समझ आ जाएंगे आपको कौन सा होता है. फॉर एग्जाम्पल, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इमेज. एंड फ्रॉम रियल लाइफ द एग्जाम्पल विल बी इमेजेस ऑन अ टीवी स्क्रीन, इमेजेस ऑन अ सिनेमा हॉल स्क्रीन, दे आर ऑल रियल. Images on a TV screen, images on a cinema hall screen, जो photographs हैं आपके पास, वो सब real images हैं. Because this is a characteristic of real image that they can be photographed. Real images can be obtained on a screen. हम उनको screen पे obtain कर सकते हैं. They can be photographed. Real images can be photographed. थर्ड थिंग रिलेटेड टू रियल इमेज इज दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. तो ये जो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स लेंस है, ये इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे. जब रियल इमेज बनाएंगे, इनकी इमेज इन्वर्टेड होगी. हमारी आई में जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस, इट ऑल्सो फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रेटिना पे उसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है, बट ब्रेन उसको हमें सीधी करके दिखाता है. ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेज और बाद में हमें इमेज सीधी होकर दिखती है. अदरवाइज हमारे रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज ही बन रही होती है. जब आप फोटोग्राफ क्लिक करते हो, आप देखते हो ना, नेगेटिव होता है, वो भी आपकी इन्वर्टेड बनती है. नेगेटिव पे जो फोटो आती है, इन्वर्टेड ही होती है. बाद में प्रोसेसिंग करके उसको सीधा किया जाता है. देयर इज सर्टन प्रोसीजर टू बी फॉलोड. तो वो फिर उसको सीधा करके, इन्वर्ट को सीधा करके दिखाते हैं. फिर उसका पॉजिटिव ऑब्टेन करते हैं. गॉट दिस? द रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है. देन कम टू वर्चुअल इमेज. द वर्चुअल इमेज ऑन द अदर हैंड, देयर द रेज ऑफ लाइट डोंट एक्चुअली मीट, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट. हम इमेजिन करेंगे. तो लिखो, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट. व्हेन द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट. राइट इट. Virtual image is formed when the rays of light appear to meet at a point. Actually meet नहीं कर रहे, लग रहे हैं. हाँ, virtual image is always erect. एक तो सीधी बनती है. For example, image of our face in a plane mirror. इसमें आप plane mirror में face देखते हो, तो वो सीधा लगता है ना?
आप अपना फेस देखते हो प्ले मिरर में, सीधा होता है ना, सीधा बनता है, इरेक्ट बनती है इमेज. सो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट. इमेज नेक्स्ट एग्जांपल, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो ऑलवेज इरेक्ट. कॉन्वेक्स मिरर, ये जो बाहर की तरफ बल्जिंग होता है, ये भी इरेक्ट इमेज बनाता है स्मॉल स्मॉल. आपको क्लास का व्यू नजर आएगा इसमें, क्लास का व्यू पूरा नजर आ जाएगा. ये कॉन्वेक्स है, ठीक है. इमेज फॉर्म बाय प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट. कॉनकेव लेंस भी वर्चुअल बनाए. ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव लेंस. हाँ, ये लिख लो. ये कौन सा मिरर था? कॉन्वेक्स. एग्जांपल, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस. दे फॉर्म वर्चुअल इमेजेस. एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर. किसकी? किसकी? इट कैन नॉट बी फोटोग्राफ. यस. थर्ड पॉइंट ये है, नो मिरर है. थर्ड पॉइंट ये है कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इट कैन नॉट बी फोटोग्राफ. ठीक है. और क्योंकि ये टेम्पररी होती है, इमेजिनरी होती है, आपको अपना फेस प्लेन मिरर में उतनी देर दिखता है जितनी देर आप आगे खड़े हो. आप अगर पीछे हट जाओगे इमेज भी गायब हो जाएगी. वो इमेजिनरी थी, परमानेंट नहीं है, वो मिरर के ऊपर छप नहीं गई है. ठीक है ना. तो इसका मतलब हम उसको फोटोग्राफ नहीं कर सकते हैं, हम उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं वर्चुअल इमेज. गॉट इट? ऑल राइट, क्लियर है ये? देन लेट अस स्टार्ट विद स्फेरिकल मिरर्स डायरेक्टली. प्लेन मिरर का डायग्राम नहीं करना. करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होगी. व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, लिखिए. चलो वो लिखो, लिखिए. फाइव करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. राइट डाउन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, लिखिए. डायग्राम नहीं है आप सिलेबस में. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. उठो यहां से. फाइव करेक्टरिस्टिक्स आर देयर. फर्स्ट हो गई वर्चुअल, हमने कहा वर्चुअल. सेकेंड है वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, तो सीधी बनती है. थर्ड इज सेम साइज का फेस दिखता है आपको प्लेन मिरर में. प्लेन मिरर में सेम साइज का इमेज आपको फेस दिखता है, सेम साइज. फोर्थ इज जितना डिस्टेंस आप में और मिरर में उतना होता है, उतना ही डिस्टेंस आपकी इमेज और मिरर में भी होता है. So object distance is equal to image distance. I'm writing here virtual, erect, same size, object distance is equal to image distance. And fifth is laterally inverted. Image will be laterally inverted. Left hand side will appear to be right hand side and vice versa. When the object is kept in front of plane mirror. हमेशा नहीं होता, जब मिरर के आगे रखेंगे तब ऐसे हो. अगर आप सेवन देख रहे हो, सेवन का लेटर देख रहे हो, वह ऐसे नजर आएगा. This is lateral inversion. Fifth is laterally inverted. Definition लिख लो lateral inversion की. Write the definition of lateral inversion.
ठीक है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इट्स लेफ्ट हैंड साइड, LHS लिख लो, इट्स लेफ्ट हैंड साइड अपीयर्स टू बी द राइट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा. Its left hand side appears to be the right hand side and vice versa. हाँ example लिख लो, ये draw कर लो आप. ये बना लीजिए आप. This is lateral inversion. Example lateral inversion का 7 ऐसा दिखेगा. ये मिरर है बीच में प्लेन मिरर, तो 7 का लेटर आपका ऐसा नजर आएगा, ये उसकी मिरर इमेज. हाँ जैसे एम्बुलेंस फेमस बोर्ड. हाँ जी. When an object is kept in front of a plane mirror, its left hand side appears to be the right hand side and vice versa. Left hand side appears to be the right hand side and vice versa. So have a look at all the 5 characteristics of image formed by a plane mirror. Spherical mirror से start किया हुआ है हमने, तो हम main करते हैं spherical mirror. So there are 2 spherical mirrors, concave mirror and convex mirror. Convex तो दिख ही रहा है आपको, outer bulging है ये, बाहर की तरह spoon की पीछे वाली side जो है spoon की, और जो उसकी inside है ये inwards है, ये concave mirror है inwards. Shining portion inwards है, you can touch and feel it. ठीक है, ऐसे दिखेगा नहीं, ये inwards है, ये inwards है. Convex mirror outwards होता है, जैसे इसमें visible है properly. ये outward दिख रहा है ना, ये याद रखना, ये convex है और जो inward होता है वो concave होता है. तो shining surface जिसका bulging inward है वो concave mirror, जिसका bulging outward है shining वो है convex mirror. ठीक है, तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे ही. ये बल्जिंग इनवर्ड्स है शाइनिंग, ये कनकेव मिरर है, शाइनिंग सरफेस इनवर्ड है और ये आपका ओपेक है, दिस इज कनकेव मिरर. और जिसका शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ है शाइनिंग और ओपेक इनसाइड है, ये कॉन्वेक्स मिरर. तो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट दिस. अगर मिरर ही गलत ड्रॉ हो गया आगे सारा ही रॉन्ग हो जाए. जो लाइंस लगी आपको बताया ना, वो पीछे वाला पार्ट है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी. तो गेट रेडी फॉर द टेस्ट एट 2:00.